श्री नंदीशा विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे थे अपना 15वां अध्याय जो कि है बिजनेस फाइनेंस यानी कि व्यावसायिक वित्त। तो व्यावसायिक वित्त के बारे में तो अपन जान चुके हैं कि किसी भी व्यवसाय की जब अपन को स्टार्टिंग करनी पड़ती है यानी कि शुरुआत करनी पड़ती है तो जितने वित्त की आवश्यकता होती है उसका सही तरीके से उपयोग करना और उसका सही तरीके से नियंत्रण करना ही व्यावसायिक वित्त कहलाता है। अपन ने व्यावसायिक वित्त के प्रकार देखे थे तो तीन प्रकार के प्रकार थे, अवधि के आधार पर, विनियोग के आधार पर और स्रोतों के आधार पर। तो अवधि के आधार पर तीन प्रकार थे जिनका अध्ययन अपन लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और विनियोग के आधार पर भी दो प्रकार के वित्त थे, एक तो स्थायी पूंजी था और दूसरा हमारा कार्यशील पूंजी था। तो स्थायी पूंजी के बारे में अपन जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मतलब कि उसके निर्धारक तत्व कौन से हैं, महत्व कौन सा है, विशेषताएं कौन से हैं। आज अपन को चर्चा करनी है अपनी कार्यशील पूंजी क्या होती है, निर्धारक तत्व कौन से हैं, विशेषताएं कौन सी हैं और इसका महत्व कौन सा होता है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि कार्यशील पूंजी होता क्या है। देखो, जैसे स्थायी पूंजी क्या होता है, जब अपन को किसी भी व्यवसाय की स्थापना करनी हो, उसका संचालन करना हो, तो जो भवन, प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीज़ें हमारे व्यवसाय में लगी हुई रहती हैं तो वो हमारी स्थायी पूंजी होती है, क्योंकि ये सारी संपत्तियां दीर्घकाल के लिए व्यवसाय में विनियोजित रहती हैं। वहीं बात करें कार्यशील पूंजी की, तो कार्यशील पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से होता है जो किसी भी प्रकार के व्यवसाय में दिन प्रतिदिन के व्ययों का भुगतान करने के लिए संचालित की जाती हैं। मान लीजिए मजदूर व्यवसाय में आ रहे हैं तो उनको मजदूरी देनी है, कच्चे माल को खरीदना है, अब उधार माल की बिक्री हो रही है तो अपने को अपने पास रोकड़ भी रखनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर जो दिन प्रतिदिन का व्यवसाय अपन को संचालित करना है, व्ययों का भुगतान करना है और हमारा व्यवसाय निरंतर चलता रहे, तो जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उस पूंजी को हम कहते हैं कि वो क्या है, कार्यशील पूंजी है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि कार्यशील पूंजी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहला होता है चालू व्ययों हेतु। अभी जैसे अपन ने जाना कि कार्यशील पूंजी जो होती है वो किसी भी व्यवसाय में अगर निरंतरता बनाए रखनी है, दिन प्रतिदिन का संचालन करना है तो उसके लिए कार्यशील पूंजी जरूरी होती है। अब जो चालू व्यय होते हैं, जैसे कि मजदूरों को मजदूरी देनी है, कभी कभी अपन को कच्चा माल खरीद कर लाना है, उधार माल की बिक्री करनी है तो भी हमें कैश की ज़रूरत होती है, तो चालू व्यय यानी कि जो रोज व्यय होते रहते हैं व्यवसाय में छोटे मोटे, उन व्ययों के लिए हमें कार्यशील पूंजी अर्थात कह सकते हैं कि रोकड़ की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है अल्पकालीन। अब क्या होता है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बदलती रहती है, कभी व्यवसाय में अधिक कार्यशील पूंजी लगती है तो कभी कम लगती है। इसके बजाय अपन स्थायी पूंजी देखें तो वो दीर्घ अवधि के लिए निरंतर व्यवसाय में बनी हुई रहती है, इसीलिए अपन कह सकते हैं कि जो हमारी कार्यशील पूंजी होती है वह अल्पकालीन होती है अर्थात कुछ समय के लिए ही होती है। तीसरा होता है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। इस चीज़ के बारे में आप अपने अकाउंट सब्जेक्ट में बहुत डिटेल में जानेंगे कि हमारे व्यवसाय के अंतर्गत कुछ करंट असेट्स होती हैं, कुछ करंट लायबिलिटी यानी कि कुछ चालू संपत्तियां होती हैं और कुछ हमारे चालू दायित्व होते हैं। तो जो चालू संपत्तियों का योग रहता है उसमें से चालू दायित्व को घटा देंगे तो अपन को कार्यशील पूंजी मिल जाएगी। जैसे कि हमारे देनदार हुए, रोकड़ हुए, प्राप्य बिल हुए और भी रहते हैं, ये हमारे चालू संपत्तियाँ आती हैं। वहीं देनदार हुए, देय बिल हुए, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे चालू दायित्व के अंतर्गत। चौथा होता है निरंतरता। तो किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत आपको निरंतरता बनाए रखनी है तो आपको कार्यशील पूंजी को उपयोग में लाना ही होगा। इसका अपन एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि व्यवसाय में भवन, प्लांट, मशीनरी ये सारी चीज़ें हैं लेकिन कार्यशील पूंजी नहीं है, तो भवन का आप कुछ नहीं कर सकते, प्लांट का कुछ नहीं कर सकते, मशीनरी का कुछ नहीं कर सकते जब तक कि मजदूर कार्य करने के लिए नहीं आएंगे और तमाम तरीके के कार्य नहीं करेंगे। तो यानी कि किसी भी व्यवसाय में निरंतरता बनाए रखनी है तो व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती ही होती है। अब अपन यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो कार्यशील पूंजी है उसका महत्व क्या होता है, यानी कि किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत कार्यशील पूंजी किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध मानी जाती है। सबसे पहला होता है कच्चे माल की आपूर्ति। अब कच्चा माल जो हमारे व्यवसाय में मेन एलिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत जब कच्चा माल होगा तब जाकर अपन उसको प्रोसेस में डालकर उसको फिनिश गुड्स यानी कि प्रोडक्शन उसका कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई टेबल कुर्सी बनानी है, फर्नीचर बनाना है, तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, लकड़ी हो सकती है, लोहा हो सकता है, हो सकता है क्या, होता ही है, जिसके कारण अपन क्या कर सकते हैं, फिनिश गुड्स बना सकते हैं। तो कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति व्यवसाय में बनी रहे इसके लिए हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है।
कभी हमें कच्चा माल बाहर से खरीदना होता है, कभी कोई लॉट में भी लाना पड़ता है, तो कैश हमारे व्यवसाय में अवेलेबल होना चाहिए, इसके लिए कार्यशील पूंजी आवश्यक मानी जाती है। दूसरा होता है पारिश्रमिक का भुगतान। अब कुछ मजदूर आपके व्यवसाय में ऐसे होंगे जो डेली बेसिस पर होंगे, दिन प्रतिदिन उनको भुगतान करना है, कुछ मंथ पर होते हैं और कुछ हाफ मंथ में भी, अपन जैसे आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो आप वैसे उनको पेमेंट कर सकते हैं। तो दिन प्रतिदिन का भुगतान करना है तो भी हमें कैश की ज़रूरत होती है। अगर आप महीने के बीच में कर रहे हैं या महीने के एंड में भी कर रहे हैं तो आपको अपने पास कैश रखना पड़ता है, अर्थात पारिश्रमिक अर्थात सैलरी का भुगतान करने के लिए कार्यशील पूंजी व्यवसाय में बनी रहती है। तीसरा होता है उत्पादन प्रक्रिया जारी रखने के लिए। अब मान लीजिए आपके व्यवसाय में प्रोडक्शन होता है या वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, अब वो प्रोडक्शन आपको जारी कर रखना है तो आपको अपने पास कार्यशील पूंजी रखनी ही पड़ेगी, अर्थात कैश आपको अपने पास रखना पड़ेगा। जैसे कभी कच्चा माल ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए, अब कभी किसी को भाड़ा देना है तो उसके लिए, मजदूरों को पारिश्रमिक देना है तो उसके लिए, यानी कि जो प्रोडक्शन का पूरा सर्कल रहता है उसको कंप्लीट रखने के लिए अर्थात जारी रखने के लिए हमें कार्यशील पूंजी व्यवसाय में उपयोगी मानी जाती है। चौथा होता है ख्याति का निर्माण। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए आप बहुत से व्यवसाय हैं जो अब उधार बिक्री का सिस्टम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कभी आपके पास कैश उपलब्ध नहीं होता है तो अपन भी क्या सोचते हैं, किसी दुकान पर जाकर मान लो चेंज ही लेना है, कोई नए अपन गए हैं, स्टार्टिंग में ही चले गए उसकी दुकान पर और उसके पास कैश ना हो तो अपन क्या सोचेंगे कि कैसा दुकानदार है, कैश ही नहीं रखता है, तमाम तरीके के विचार कस्टमर के दिमाग में आ सकते हैं। तो अगर किसी व्यवसाय को अपनी गुडविल बढ़ानी है तो फिक्स कैपिटल यानी कि स्थायी पूंजी के साथ साथ अपन को व्यवसाय में वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी भी आवश्यक मानी जाती है। तो इस प्रकार ये हुआ हमारा कार्यशील पूंजी का महत्व, कच्चे माल की आपूर्ति के लिए, दिन प्रतिदिन में सैलरी पेमेंट करने के लिए, जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखने के लिए, और जो गुडविल है उसका अगर निर्माण करना है तो हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि कार्यशील जो पूंजी होती है उसको निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। तो जैसे अपन ने जाना था कि जो हमारी स्थायी पूंजी होती है उसको निर्धारित करने वाले भी कुछ तत्व थे, वैसे ही कार्यशील पूंजी किसी भी व्यवसाय में कितनी लगेगी, ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी, उसको निर्धारित करने वाले तत्व इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला होता है व्यवसाय की प्रकृति। जैसे अपन ने स्थायी पूंजी में जाना था वैसे ही होती है हमारी कार्यशील पूंजी। तो जैसे कि व्यवसाय की प्रकृति का मतलब ये होता है कि बहुत से उद्योग ऐसे रहते हैं, जैसे मान लीजिए लोहे इस्पात उद्योग है तो वहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी लगती हैं, इसलिए स्थायी पूंजी ज़्यादा लगती है, बजाय ऐसे उद्योग जहाँ पर जैसे लघु कुटीर उद्योग देख लें या फिर श्रम प्रधान उद्योग देख लें तो वहाँ पर कार्यशील पूंजी ज़्यादा लगती है, और ऐसे व्यवसाय जहाँ पर मशीनों के द्वारा काम होता है वहाँ स्थायी पूंजी ज़्यादा लगती है। दूसरा होता है व्यवसाय का आकार। तो जैसे जैसे व्यवसाय का आकार छोटा होता जाता है वहाँ पर हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम लगती है, और जब हम व्यवसाय का आकार बहुत बड़ा कर लेते हैं तो हमें अपना प्रोडक्शन प्रोसेस वैसे ही करनी पड़ती है, मजदूर वैसे ही रखना पड़ता है, रॉ मटेरियल वैसे ही लाना पड़ता है, तो कार्यशील पूंजी ज़्यादा लगने लगती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ बिजनेस यानी कि व्यवसाय के आकार के अनुसार ही कार्यशील पूंजी की मात्रा बढ़ती और घटती जाती है। निर्माण प्रक्रिया में लगने वाला समय। इसका मतलब ये होता है जब अपन वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं तो जब वस्तुओं की जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है अगर वो बहुत लंबी है यानी कि प्रक्रिया में लगने वाला समय बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 10 वस्तुओं का निर्माण करने में मान लीजिए 15 दिन लग रहे हैं, तो उस समय अपन को कार्यशील पूंजी अपने व्यवसाय में ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्टॉक अपने पास पहले से उपलब्ध है उसका क्रय विक्रय करने के लिए कार्यशील पूंजी की मात्रा ज़्यादा लगेगी। अब मान लीजिए निर्माण प्रक्रिया में लगने वाला समय बहुत कम है यानी कि आपके पास वस्तुएँ बहुत जल्दी अवेलेबल हो जा रही हैं, आप तुरंत के तुरंत उनकी बिक्री करोगे और कैश आपके पास आता जाएगा तो वहाँ पर कार्यशील पूंजी कम लगती है। लास्ट हुआ हमारा बिक्री में तीव्रता। इसका मतलब ये होता है बहुत से व्यवसाय ऐसे रहते हैं जहाँ पर माल तुरंत के तुरंत बिकता जाता है, जैसे कि कोई कपड़े का माल व्यापारी है या गल्ले का व्यापारी है, किराना स्टोर है, तुरंत माल की बिक्री हो रही है, अपने पास कैश तुरंत आ रहा है, तो वहाँ पर अपन को एक्स्ट्रा कार्यशील पूंजी या कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। बजाय ऐसे व्यवसाय जहाँ पर बहुत स्लो मात्रा में सेलिंग हो रही है, मतलब स्लो सेलिंग होती है और उसके बाद आपका माल भी नहीं बिकता है, तो वहाँ पर अपन को व्यवसाय चलाने के लिए अर्थात संचालित करने के लिए कार्यशील पूंजी लगेगी ही लगेगी। तो इस प्रकार अपन ने अभी देखा विनियोग पर आधारित जो कार्य व्यावसायिक वित्त रहते हैं उसका दूसरा प्रकार था कार्यशील पूंजी, जिसकी विशेषताएं, महत्व और निर्धारक तत्व अपन ने अभी जाने।